बॉलीवुड एक्टर गोविंदा इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल गोविंदा अस्पताल में भर्ती हैं। एक्टर के साथ मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। वो अपने घर पर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे, तभी गोली चली जो उनके पैर पर लग गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अब पहले से ठीक बताई जा रही है। वहीं फिल्मों से दूर रहने वाले गोविंदा इस हादसे के बाद एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। ऐसे में चलिए हम आपको उनसे जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। गोविंदा ने अपना एक्टिंग करियर फिल्म इल्जाम से शुरू किया था, जो 1986 में रिलीज हुई थी। इसके बाद एक्टर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक हिट फिल्म में दी। वहीं आखिरी बार गोविंदा को साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म रंगीला बाबू में देखा गया। इसके बाद एक्टर ने बड़े पर्दे से दूरी बना ली। अब वो कुछ शोज में बतौर गेस्ट नजर आते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्मों से दूर होकर भी गोविंदा एक लेविश लाइफ जीते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार गोविंदा की टोटल नेटवर्थ 151 करोड़ रुपए है। गोविंदा ने फिल्मों के अलावा अपना कई साइड बिजनेस भी शुरू किया हुआ है, जिनके जरिए आज भी एक्टर तगड़ी कमाई करते हैं। उनका रियल स्टेट का भी बिजनेस है और एक्टर की खेती भी है। वहीं मुंबई में आलीशान बंगले के अलावा गोविंदा के पास अमेरिका में एक आलीशान घर है, जिससे वो मोटा रेंट वसूलते हैं। इसके अलावा उनका मुंबई के मड आइलैंड में भी बंगला है। गोविंदा का कोलकाता में एक घर होने के अलावा लखनऊ में दो बड़े फार्म हाउस भी हैं, जहां एक्टर वेकेशन के लिए जाते हैं। बताते चले कि पैर में गोली लगने की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए गोविंदा ने एक बयान जारी किया और बताया कि उनकी हालत अब स्थिर है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर गरवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। गोविंदा का ये बयान ऑडियो रूप में सामने आया, जिसे गोविंदा के करीबी दोस्त, पूर्व विधायक और शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने जारी किया है। गोविंदा के ऑडियो मैसेज में उनकी आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी स्थिति काफी गंभीर है।